आज मेरे दिल के बहुत करीब मेरा एक स्नेक प्लांट खराब हो गया, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इस स्नेक प्लांट को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे दूसरे पॉट में, क्योंकि ये लगा हुआ है एक ही पॉट में एलिमेंडा वाइन के साथ। एलिमेंडा वाइन को डेली या फिर अल्टरनेट बेसिस पर वाटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी से वो अच्छी फ्लावरिंग कर पाते हैं, लेकिन स्नेक प्लांट को डेली पानी नहीं चाहिए होता है। तो ये दोनों ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहे हैं एक साथ एक ही पॉट में, और मेरा एक स्नेक प्लांट ख़राब हो गया, इसलिए मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि उसे मैंने इंडोर रखा हुआ था और दो तीन दिन के लिए मैं घर से बाहर गई थी, और जब वापस आई तो देखा वो गल रहा है। मैंने लाख जतन कर लिए उसको ठीक करने में, उसकी पोजीशन चेंज करके भी देख ली, धूप में रख लिया, छाँव में रख लिया, इनडायरेक्ट सनलाइट में रख लिया, पॉट बदल लिया, मिट्टी भी चेंज कर ली, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। इसलिए इसे यहाँ से शिफ्ट करके हम अपने पुराने वाले पॉट में इसे लगाने वाले हैं, जिससे ये हमेशा मेरा साथ निभाए और मुझे छोड़कर कभी ना जाए। अब ये पॉट फिर से इतना खाली हो गया है, अब मैं इसमें कोई दूसरा प्लांट लगाऊंगी जिसे रोज़ पानी की ज़रूरत हो और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ये फ्लावर स्नेक प्लांट के साथ और भी बेबी प्लांट्स हैं, साइड साइड में निकल रहे हैं, इनके पफ्स जो हैं वो साइड में निकलते हैं मेन प्लांट के, ये एक, ये दो, और एक बहुत छोटा सा मिनी बेबी प्लांट भी है, तीन, और ये चार। तो एक मेन स्नेक प्लांट के साथ चार बेबी प्लांट्स भी हैं, तो जल्दी से इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, गार्डनिंग हो या ज़िंदगी, हर दिन कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करते रहना है। लगातार कोशिश करने से सफलता ज़रूर मिलती है, और अगर ना मिली तो निराश नहीं होना है, अपने आप से कहना है कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा, और उस तजुर्बे के ट्रैक पर सफलता की ट्रेन दौड़ी चली आएगी।